जीमेल में कॉन्टैक्ट नंबर कैसे सेव करें? किसी भी कारण की वजह से जब हमारा फोन खराब या फिर गुम हो जाता है तो उस मोबाइल के साथ साथ उसमें सेव किए हुए हमारे सारे के सारे कॉन्टैक्ट नंबर भी चले जाते हैं। ऐसे में हम दूसरा मोबाइल तो ज़रूर खरीद सकते हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर ना मिलने की वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आजकल स्मार्टफोन का ज़माना है। और ऐसे में अगर आप एक स्मार्टफोन यूज़र हैं तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम का सामना कभी भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैसे जीमेल में कॉन्टैक्ट नंबर सेव किए जाते हैं। और जो नंबर हमारे फ़ोन या सिम कार्ड में सेव है उसको जीमेल में कॉपी कैसे करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्टैक्ट्स एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, यहाँ राइट साइड में सबसे ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट को चूज़ करना है। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन इंपोर्ट फ्रॉम स्टोरेज, इसको क्लिक करेंगे। मेरे मोबाइल में दो ईमेल आईडी साइन इन है, आपके मोबाइल में जितना भी ईमेल आईडी साइन होगा वो सब यहाँ पर शो होंगे। आपको जिस भी ईमेल आईडी पर अपना कॉन्टैक्ट रखना है उस ईमेल आईडी को यहाँ पर चूज़ करना है। मुझे रखना है एग्जांपल फॉर मोहम्मद साकिब 92, तो हम इसको चूज़ करेंगे और सिंपली हमको ओके कर देना है। ये अब हो रहा है, थोड़ी ही देर में सारा कॉन्टैक्ट मेरे मोबाइल का ईमेल आईडी पर चला जाएगा। दोस्तों, हर मोबाइल में अलग अलग ऑप्शन होता है, ज़्यादातर तो मोबाइलों में यही ऑप्शन होता है जो मैंने बताया। बाकी कुछ मोबाइलों में कॉन्टैक्ट में ये सेटिंग नहीं मिलते हैं इंपोर्ट करने का, तो आपको सेटिंग में जाकर कॉन्टैक्ट ढूंढना होगा, वहाँ से आपको फिर इंपोर्ट करना होगा। और दोस्तों, दूसरा तरीका ये है इंपोर्ट करने का, जैसे मान लीजिए मेरा एक ईमेल आईडी में कॉन्टैक्ट है, उस कॉन्टैक्ट को दूसरा ईमेल आईडी पर रखना है, तो उसको हम कैसे करेंगे? वो भी बड़ा आसान है, फिर हमको यहीं पे जाना है इंपोर्ट में और इंपोर्ट फ्रॉम स्टोरेज पर क्लिक करना है। उसके बाद हमको लोकल डिवाइस में फ़िलहाल सेव करना है वी कार्ड में, ओके कर देंगे हम। ये मेरे डिवाइस में फाइल मैनेजर में जाके सेव हो चुका है। चलते हैं हम फाइल मैनेजर में, तो ये फाइल मैनेजर में गए, फोल्डर्स में क्लिक करते हैं, सबसे नीचे वो फाइल सेव हुआ है, इसको हम ओपन करेंगे। तो अब ये इंपोर्ट होने के लिए तैयार है। ये कॉन्टेक्ट मान लीजिए मेरा मोहम्मद साकिब 786 का है और मुझे करना है मोहम्मद साकिब 92 में, तो मैं मोहम्मद साकिब 92 को चूज़ करूँगा, ऐसे इंपोर्ट वी का ओके कर देंगे। तो अब सब कॉन्टेक्ट मोहम्मद साकिब 786 से मोहम्मद साकिब 92 में चला जाएगा। अब जब कभी भी कॉन्टैक्ट सेव करेंगे आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे सेव टू गूगल में, यहाँ पे सेव टू गूगल ही रहना चाहिए, नहीं तो इसमें से अगर कोई और होगा जैसे लोकल डिवाइस सिम कार्ड तो उसमें सेव हो जाएगा, और यहाँ पे गूगल सेव रहेगा तो गूगल में जो ईमेल आईडी आपका साइन इन होगा उसी में सेव होगा।